हेलो एवरीवन। और आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो रेगुलर के दिनों में आप लोगों के काम आएंगे। और शायद आप लोगों को पता भी होगा ये सब ट्रिक, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये सारे ट्रिक हैं मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ काफ़ी, इसलिए कुछ ट्रिक मैंने लिख लिए हैं, मतलब कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी बोल के। और ये है कि वर्षा के पानी में यदि आप लोग कपड़े धो रहे हैं तो वो कपड़ा बहुत अच्छी तरह से साफ़ होता है, और जितने भी दाग रहते हैं वो सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं, और लेबर भी कम पड़ता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें वर्षा के पानी में, मैंने वर्षा का जब भी बारिश का पानी होता है तो उसे स्टोर करके रख ले और उससे कपड़े धोए तो कपड़े बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, और वाइट कपड़े तो और भी वाइट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा साफ़ होता है। तो दूसरे नंबर में है रोटी बनाते समय जो हम लोगों का बेलन और चकला में काफ़ी चिपक जाता है रोटी कभी कभी, तो उसके लिए आप लोग ऑयल लगा लें बेलन और चकले में। स्टार्टिंग में ही आप लोग थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे 5-10 मिनट के लिए रख दे, उसके बाद आप लोग रोटी बनाएं, वो रोटी चिपकेगा नहीं। तो ये भी एक है कि हम लोग का रोटी चिपक जाता है और रोटी बनाते समय काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसलिए। तो और हाँ, तीसरे नंबर पे है आयरन। आयरन करते समय जो बहुत सारा कपड़ा हो जाने के बाद फिर हमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मतलब सर दर्द हो जाता है, तो कभी आप लोग इसे भी आजमा के देखिएगा कि ऑर्डर में करें, मतलब जैसे बहुत सारे कपड़े हैं तो पहले पैंट को अलग कर ले, शर्ट को अलग कर ले, पहले पैंट को सब ही आयरन कर ले उसके बाद शर्ट आयरन करें, या साड़ी है तो पहले साड़ी को आयरन कर ले फिर शर्ट को, सब सारे शर्ट को एक साथ आयरन करें। ऐसे करें तो आप लोगों को बहुत इजी रहेगा और काफ़ी मतलब वो काम कम हो जाता है। ऐसा शायद मेंटली कुछ प्रॉब्लम कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऐसे उसे ऑर्डर में करती हूँ तो बहुत अच्छा मतलब काम कम लगने लगता है मुझे। और एक पैंट एक शर्ट ऐसे करने से काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो कुछ समझ में भी नहीं आता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबा लगता है काम। तो ये भी है। चौथे नंबर पे है दौड़ने से या योग व्यायाम करने से, जो खाली पेट रहकर किया जाता है उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, वरन नुकसान ही होता है। जब भी आप लोग कोई भी वॉक करें या योगा करें तो पेट में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा के ही करें, कभी भी खाली पेट में ना वॉक करना चाहिए ना व्यायाम करना चाहिए, ये है। और पांचवें नंबर पे है कचौरी बनाते समय आप लोगों को आटा को नरम सानना है, मतलब गीला थोड़ा सा गीला सानना है, नरम सानना है, जिससे कि कचौरी फटेगा नहीं। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले नहीं जानते थे बोल के करते ऐसा थे कि मतलब कचौरी बनाते समय काफ़ी सख्त आटा गूंथते थे, जिससे कि कचौरी हम लोगों का फट जाता था और तेल काफ़ी गंदा हो जाता था। तो ये ट्रिक भी आप लोग आजमा के देखें, कचौरी जब भी बनाएं उसका जो आटा होता है वो काफ़ी नरम गूंथे। रात को सोते समय जिन लोगों का फेस ड्राई है, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है, उन लोगों को बोरोलिन लगा के सोना चाहिए। एसी वाले लोग को तो एकदम बोरोलिन फेस में, हाथ में, पाँव में, सभी में बोरोलिन लगा के सोना चाहिए। बोरोलिन लगाने से फेस काफ़ी अच्छा हो जाता है और मतलब सुबह सुबह तो बहुत ही फ्रेश रहता है और सारे दिन मतलब हाथ पाँव सभी अच्छे लगने लगते हैं, और क्या किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा है, चाहे जितना भी घर में काम कर ले, लेकिन हाथ पाँव सभी अच्छे रहते हैं। रात को बोरोलिन रेगुलर लगा के सोया जाए तो। और हाँ, नेल पेंट लगाने से पहले हाथों पर मॉइस्चराइजर जरूर लगा ले। तो इससे क्या होता है कि हाँ, नेल पेंट जो नाखून के चारों तरफ एक्स्ट्रा जो लग जाता है वो बहुत इजीली छूट जाता है, मतलब वो ऐसे उठाने से ही उठ जाता है। और ऐसे क्या होता है कि नेल पेंट एक्स्ट्रा लग जाने से फिर वो बहुत ही गंदा लगता है, जो आप लोगों को भी पता है। तो नेल पेंट जब भी लगाए हाथों पर पहले मॉइस्चराइजर लगा करके फिर नेल पेंट लगाए। और हाँ, दौड़ने की अपेक्षा वॉक यदि किया जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो लोग भी दौड़ते हैं या मतलब क्या बोलते हैं उसे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो लोग दौड़ते हैं उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है कि फास्ट वॉक किया जाए,
तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे पता था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। ओके, बाय फ्रेंड्स।